बहू जैसा प्यार। संगीता की सास ने उसे ये क्यों कहा कि वो उसे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा ही प्यार देगी। उनके इस बात का संगीता पर क्या असर हुआ? लघु का था बदलाव। क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? काश ऐसी सास भगवान सबको दे। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलुरु में। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं, उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वह स्वयं बनाती हैं, सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमेशा स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना है कि हर सास ऐसा ही कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार? घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद यह ना समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी दो तीन बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती? मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर है, नया वातावरण है, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे।
हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसे प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक ससुराल में सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरे मन में इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है, मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज यानी कि 3 लीटर दूध था में से दूध निकालने लगी तो ना जाने कैसे मेरे हाथ से संडासी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा पूरा की पूरा ही गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात ये थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था, पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तभी मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा अब वे ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बस बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा, लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है ये दूध? हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध मंगवा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि आपने अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया जाता है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए, इसलिए अपना पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा मैं फजूल ही डर रही थी, मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। क्या यह बात याद आते ही फिर से मेरे मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है, सभी लोग पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार को सभी छुट्टी होने के वजह से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कोर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में, मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे, कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या?
पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोरा, संगीता संगीता क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी मम्मी जी सारी सॉरी, ना मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया, अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तुम घबराओ मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो, क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है लेकिन मैं तो हूँ ना, तुम मुझे मुझसे ये अपने मन की बात हर बात कह सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ कहा था, तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे उतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो, इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे नहीं डांटा, डांटा भी नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सादी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से ये कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना, तो जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इतना इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं, कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटा, बेटी को बेटे जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह इस बात को दिल से लगा लेगी। चल अब आंसू पोछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बहू को भी उसी तरह प्यार देना चाहिए, उसी तरह सम्मान देना चाहिए जैसे कि हम घर में और सदस्यों को देते हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी